सुल्तान सिकंदर राजा के जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा आम इंतखाबात और नई मरदमशुमारी के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इंतखाबी हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला, जिस पर काम आज ही से शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियाँ कराने का फैसला किया है, जिसके लिए शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सीनियर कानूनदान बाबर अवान ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन एक काम नहीं कर सकता तो उनका बैठे रहने का कोई जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियां कराने के फैसले पर बाबर अवान ने रद्द अमल में कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन का साफ और शफाफ इनका करवाना है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से सूबों के खिलाफ साजिश हो रही है, अगर ये सारा मामला हो गया तो फेडरेशन टूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और निगरान वज़ीर आज़म मुफ्ती अहमद सीमा की जमानत मंसूखी के लिए दायर नायब की दरख्वास्तें समाज के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। नायब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन सजाए दरखास्त के इल्जाम में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने समाज के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अतबल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद के शहर डेरा मुराद जमाली सच्ची में करंट लगने से 5 अफराद जान बहक हो गए, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल थे। बिजली के ट्रांसफर में खराबी के बाद अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां जान बहक होने वालों में एक ही खानदान के अफराद में मियां बीवी और उनके 2 हाफिज़ कुरान बेटे शामिल थे। पुलिस के मुताबिक करंट लगने से 1 60 साला शहरी मोहम्मद अयूब भी जान बहक हुआ है। दुबई में खेले गए पहले T20 में न्यूजीलैंड ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 19 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 155 रन बनाए। टिम स्टैफर्ड 55 और कॉल मैकॉन्ची ने 31 रन से इनिंग खेली। अरब अमारात आखिरी ओवर में 136 रन बनाकर आउट हो गई। अरियानी शर्मा ने 7 रन के नाकाबले फरामोश इनिंग खेली। दूसरी जाने की न्यूजीलैंड टीम के जे टीम साउथ ने 25 रन देकर 5 विकेट हासिल की। कैनिटर और जिमी मिशम ने 2-2 विकेट हासिल करके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की अमरीका में भारतीय अदाकार सुनील शेट्टी से मुलाकात में अमरीका में हुई है, जहां शाहिद अफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी दोस्ती का तारीफ करवाया। इस दौरान दोनों शख्सियात ने बहुत ही खुशगवार अंदाज में मुलाकात और गुफ्तगु की। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जान और न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।